द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द प्रिंस कैस्पियन। तो दोस्तों स्वागत है आपका हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर की इस नई वीडियो में। द प्रिंस कैस्पियन द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी का सेकंड पार्ट है और दोस्तों इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट पार्ट को अभी देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर भी इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी के सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब में हमें दिखाया गया कि कैसे चार भाई बहन एक अलमारी के थ्रू एक दूसरी ही दुनिया यानी नार्निया में चले जाते हैं, जहां पर वक्त हमारी असली दुनिया से काफी तेज चलता है। और अब नार्निया में पहुंचने के बाद वो चारों भाई बहन असलान की हेल्प से नार्निया को व्हाइट विच से मुक्त कराते हैं। और जब उसके कई सालों बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि असली दुनिया के हिसाब से उनको उस दुनिया में गए हुए बहुत ही थोड़ा सा टाइम बीता होता है। तो अब दोस्तों आप नार्निया मूवी के सेकंड पार्ट यानी द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द प्रिंस कैस्पियन में आप उसके बाद की कहानी जानेंगे। तो चलिए नार्निया मूवी के सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नार्निया से नार्निया के महाराज और उनके भाई बहनों को गए हुए 1300 साल बीत गए होते हैं और इन 1300 सालों में बहुत कुछ बदल गया होता है। कुछ समुद्री लुटेरे भी इंसानी दुनिया से नार्निया में आ जाते हैं। दरअसल वो सब अनजाने में एक आइसलैंड की गुफा के जरिए नार्निया तक पहुंचे होते हैं, जिसके बाद वो सब नार्निया में ही फंस जाते हैं और अब कई सालों बाद उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो नार्निया के लोगों पर हमला कर देते हैं और पूरे नार्निया पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो उस लड़ाई में बच्चे कुछ नार्नियंस होते हैं वो सब जंगलों में छुप छुप कर रहने लगते हैं। अब नार्निया में रहने वाले इंसानों को टर्मरिन्स कहा जाता था। अब कई सौ सालों बाद मिराज नार्निया का टेम्परेरी राजा होता है और उसके घर एक बेटा जन्म लेता है। दरअसल दोस्तों जो नार्निया का असली राजा होता है उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद राजा के बेटे कैस्पियन को प्रिंस बना दिया जाता है और राजा के छोटे भाई को टेम्परेरी राजा बना दिया होता है जिसका नाम मिराज होता है। दोस्तों यहाँ पर मिराज टेम्परेरी राजा इसलिए होता है क्योंकि कैस्पियन के 18 साल के होते ही मिराज को अपनी राजगद्दी कैस्पियन को सौंपनी होगी। लेकिन अब टेम्परेरी राजा यानी मिराज के यहाँ पर एक बेटा जन्म लेता है तो वो अपने भतीजे यानी प्रिंस कैस्पियन को मरवाने की साजिश रचता है ताकि बड़ा होकर उसका अपना बेटा ही राजा बने। लेकिन जब ये बात कैस्पियन के टीचर डॉक्टर कॉर्नेलियस को पता चलती है तो वो तुरंत कैस्पियन के पास जाते हैं और उसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने को कहते हैं और वो उसको क्वीन सुजैन का मैजिकल हॉर्न भी देते हैं और कहते हैं कि जब बहुत जरूरी हो सिर्फ तभी इसका इस्तेमाल करना। अब जब कैस्पियन एक घोड़े पर बैठकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है तभी मिराज के लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। अब इसके बाद कैस्पियन अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में घुस जाता है। अब तक कैस्पियन भी जंगल में काफी अंदर तक आ चुका होता है और तभी वो एक पेड़ की डाली से टकराकर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। और दोस्तों तभी वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बनी एक सुरंग से दो ड्वार्फ यानी बोने निकल कर आते हैं और तभी वहाँ पर उसका पीछा कर रहे टर्मिनेंस भी आ जाते हैं। अब उनमें से एक बोना उन टर्मिनेंस से लड़ने के लिए चला जाता है और दूसरा कैस्पियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कैस्पियन डरकर उस हॉर्न को बजा देता है जो उसके गुरु ने उसको दिया होता है। तभी वो दूसरा वाला बोना कैस्पियन के सर पे तलवार के हैंडल से मारता है और उसको बेहोश करके सुरंग के अंदर ले जाता है। और जो पहला बोना होता है जो कि टर्मिनेंस से लड़ने गया होता है वो इतने सारे टर्मिनेंस से अकेला लड़ नहीं पाता, उसको टर्मिनेंस पकड़ लेते हैं और मिराज के पास ले जाते हैं। अब मिराज अपने राज्यसभा में छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को वो ड्वार्फ दिखाता है और कहता है कि ये देखो नार्नियन सभी जिंदा हैं। और अब मिराज उन सबको यकीन दिला देता है कि प्रिंस कैस्पियन के गायब होने में इन्हीं नार्नियंस का हाथ है। अब दोस्तों दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में चारों भाई बहन यानी पीटर सुजैन एडमंड और लूसी इन चारों को नार्निया से अपनी असली दुनिया में आए हुए एक साल हो चुका होता है। दरअसल उन चारों ने नार्निया में कई साल बिताए होते हैं और काफी मुश्किल से चारों भाई बहनों को इंग्लैंड में रहने की आदत हुई होती है। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं तभी कैस्पियन के उस मैजिकल हॉर्न को बजाने की वजह से वो चारों नार्निया पहुंच जाते हैं। और अब जब वो लोग नार्निया पहुंचते हैं तो उनके सामने उनका पुराना महल यानी केर पेरेवल होता है जो कि टर्मिनेंस के अटैक और काफी टाइम बीतने की वजह से अब तक खंडर बन चुका होता है। अब इसके बाद वो उस महल के गुप्त कमरे में जाते हैं जहाँ पर उनको उनका सामान और हथियार मिलते हैं। अब जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनको एक नाव में दो टर्मिनेंस दिखाई देते हैं जो कि उस बूने को मिराज के आदेश पर नदी में डुबोकर मारने आए होते हैं। तभी सुजैन उनमें से एक टर्मिनेंस को तीर से मारती है और ये सब देखकर दूसरा वाला टर्मिनेंस वहाँ से भाग जाता है और इस तरह वो चारों भाई बहन उस बूने की जान बचा लेते हैं। और अब वो बूना अपने पुराने जमाने के राजा रानी को देखकर चौंक
भोग जाता है। अब दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ जब कैस्पियन को बचे हुए नार्नियंस के पास ले जाया जाता है तो वो उन सभी को कन्विंस कर लेता है कि वो नार्नियंस उसकी राजगद्दी उसको वापस दिलवाने में उसकी हेल्प करेंगे, जिसके बाद नार्नियंस को जंगल में छुप छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद पूरी नार्नियंस की सेना कैस्पियन को अपना सरदार मान लेती है। और अब जब दूसरी तरफ वो चारों भाई बहन उस बोने के साथ बचे हुए नार्नियंस के पास आ रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि टर्मिनियंस नार्निया पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। और अब जब वो चारों उस बोने के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं तभी लूसी को असलान दिखाई देता है, लेकिन जब बाकी सब भी उस तरफ देखते तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो बोना उन चारों को बताता है कि उन चारों के नार्निया से जाने के बाद असलन को भी आज तक कभी नहीं देखा गया, जिसके बाद कुछ जंगली जानवर सच में जंगली बन गए और ये नाचने वाले नार्निया के पेड़ गहरी नींद में सो गए। अब इसके बाद जब वो चारों उस बोने के साथ नार्नियंस तक पहुंच जाते हैं तो सभी नार्नियंस अपने पुराने राजा और रानियों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनका वेलकम करते हैं। और अब इसके बाद सभी लोग स्टोन टेबल के नीचे बनाए गए एक हॉल में जाकर मीटिंग करते हैं, जहां पीटर ये तय करता है नार्नियंस मिराज पर उसी के महल में जाकर हमला करेंगे। अब तभी लूसी बोलती है कि हम सबको असलन का वेट करना चाहिए, लेकिन पीटर कहता है कि हमने असलन का काफी इंतजार कर लिया और लगता है कि अब असलान नहीं आएगा। अब लूसी कहती है लेकिन मैंने असलान को जंगल में देखा था और मुझे पूरा विश्वास है कि असलान जरूर आएगा। अब पीटर कहते हैं कि वहाँ पर कोई असलान नहीं था और अगर होता तो हमें भी दिखता। अब इसके बाद रात में नार्नियंस पूरी तैयारी के साथ मिराज के महल पर हमला करने के लिए जाते हैं और कुछ नार्नियंस मिराज के महल के बॉडीगार्ड्स को मारते हुए महल के अंदर घुस जाते हैं। इसी दौरान कैस्पियन अपने गुरु के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके चाचा मिराज ने ही राजगद्दी के लिए उसके पिता का खून किया होता है। और अब इसके बाद कैस्पियन काफी गुस्से में मिराज के रूम में जाता है जहां पर मिराज सो रहा होता है और वो मिराज को तलवार की नोक पर ले लेता है। तभी मिराज की वाइफ भी कैस्पियन पर वेब शूटर तान देती है और उसको तलवार नीचे रखने के लिए कहती है। तभी वहां पर पीटर आ जाता है और अब वो कैस्पियन से कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नार्निया की आर्मी के लिए इस महल का दरवाजा खोलना है। अब दोस्तों इतने में ही मिराज की वाइफ कैस्पियन पर तीर चला देती है और मौका देखकर मिराज वहां से भाग जाता है। और अब दोस्तों महल का मेन डोर टाइम पर ना खुलने की वजह से नार्नियंस की आर्मी महल के अंदर काफी देर से पहुंचती है और अब इतने समय में महल के गार्ड्स को तैयार होने का टाइम मिल जाता है और अब महल के गार्ड्स नार्नियंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब नार्नियंस हारने लगते हैं। अब ये देखकर पीटर सबको वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन मिराज अपने महल का गेट बंद करवा देता है, जिस वजह से आधे से ज्यादा नार्नियंस की आर्मी महल के अंदर ही फंस जाती है और अब इसके बाद वो अंदर फंसे आधे नार्नियंस लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। अब जब बचे हुए नार्नियंस वापस आते हैं तो पीटर कैस्पियन पर काफी नाराज होता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी लूसी वहां आकर उन दोनों की लड़ाई को बंद कराती है। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ इस हमले के बाद मिराज कैस्पियन को गद्दार साबित कर देता है और टर्मिनियंस का परमानेंट किंग बन जाता है। और अब किंग बनने के बाद पूरी टर्मिनियंस आर्मी पर मिराज का कब्जा हो जाता है और अब वो राजा बनते ही नार्नियंस से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। अब तक दोस्तों कैस्पियन अपनी वजह से भी नार्नियंस की हार की वजह से काफी डिस्टर्ब हो चुका होता है। तभी वहां पर एक बोना आता है और वो कैस्पियन से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर असलन हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक और जादुई ताकत है जो कि असलन से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो उसको स्टोन टेबल के पास लेकर जाता है और वहां पर दो और नार्नियंस आ जाते हैं और वो काला जादू करके व्हाइट विच को उसके मैजिकल वेपन की हेल्प से जिंदा करने की कोशिश करते हैं और अब व्हाइट विच जिंदा होने वाली होती है और अब व्हाइट विच को जिंदा होने के लिए किसी पुरुष के एक बूंद खून की जरूरत होती है और अब वो बोना कैस्पियन के ब्लड से व्हाइट विच को जिंदा करने वाला होता है। तभी वहां पर पीटर और उसके भाई बहन आ जाते हैं और वो उस बोने और बाकी के दो नार्नियंस को मार देते हैं। तभी व्हाइट विच पीटर को हिप्नोटाइज कर लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी वहां पर एडमंड आकर उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता है। अब दोस्तों अगले दिन टर्मरिन्स की आर्मी स्टोन टेबल की गुफा तक पहुंच जाती है। अब ये देखकर कैस्पियन पीटर से कहता है कि अगर हम मिराज को द्वंद युद्ध के लिए मना लें तो हम इनसे जीत सकते हैं। पीटर कहता है कि उसके पास तो इतनी बड़ी आर्मी है और ये जानते हुए कि वो हमसे आसानी से जीत सकता है वो मुझसे सोलो फाइट क्यों करेगा। तभी कैस्पियन पीटर से कहता है कि मिराज अब एक राजा है और अब उसके लिए भी कुछ कानून है, जिस वजह से अगर तुम उसे अपने साथ लड़ने के लिए चुनौती दोगे तो उसको वो चुनौती एक्सेप्ट करनी ही होगी। अब इसके बाद लूसी जंगल में असलान को ढूंढने के लिए निकलती है और अब एडमंड मिराज के पास पीटर का द्वंद युद्ध का प्रस्ताव लेकर जाता है और अब एडमंड मिराज से कहता है कि इस द्वंद युद्ध में जो भी जिंदा बचा उसकी आर्मी की जीत मानी जाएगी और इस द्वंद युद्ध से कई जाने भी बच जाएंगी। और अब मिराज को ना चाहते हुए भी ये प्रस्ताव एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और अब इसके बाद पीटर और मिराज के बीच का द्वंद युद्ध शुरू होता है और अब मिराज अपने एक आदमी से इशारे से कहता है कि अगर मैं हारने लगूं तो तुम पीटर को मार देना। अब दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट होता है। अब उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा होता है और उम्र में काफी छोटे होने के बावजूद पीटर मिराज को हरा देता है, लेकिन वो मिराज को मारता नहीं है। लेकिन इसके बाद मिराज का एक साथी मिराज को चलाकी से सुजैन के तीर से मार देता है और टर्मरिन्स आर्मी से कहता है कि इन्होंने हमारे महाराज को धोखे से मार दिया। अब पूरी टर्मरिन्स आर्मी को ये लग रहा होता है कि सुजैन ने उनके महाराज
उसको धोखे से मारा है। और अब इसके बाद टर्मरिन्स आर्मी काफी भड़क जाती है और अब सभी टर्मरिन्स नार्नियंस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर टर्मरिन्स के पास बड़े बड़े वेब शूटर्स और गुलेल जैसे हथियार होते हैं और उनकी तादाद भी नार्नियंस से काफी ज्यादा होती है। अब नार्नियंस टर्मरिन्स के आगे कमजोर पड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूसी जब जंगल में असलान को ढूंढ रही होती है तभी उसके पीछे कुछ टर्मरिन्स लग जाते हैं और लूसी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी वहां पर असलान आ जाता है और वो उन टर्मरिन्स को मारकर लूसी की जान बचाता है। अब असलान को देखकर लूसी काफी खुश हो जाती है और अब वो असलान से कहती है कि मैंने आपको जंगल में देखा था लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैं जानती थी कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। और अब लूसी असलान से पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे? अगर तुम पहले से नार्नियंस के साथ होते तो शायद सालों पहले नार्नियंस टर्मरिन्स से हारते ही नहीं। अब असलान लूसी की इस बात पर मुस्कुराता है और कहता है, समय की धारा हर बार एक जैसी नहीं बहती, क्या होता और क्या नहीं ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो आगे होने वाला है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। दोस्तों असलन की ये बात हमें ये सिखाती है कि जो बीत चुका उसको लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि हमें आगे आने वाले पलों की खुशी का स्वागत करना चाहिए क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज वक्त बुरा है तो कल को अच्छा वक्त भी आएगा। हमें अपने जीवन में कहीं निराश नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो अब लूसी से मिलने के बाद असलान जोर से दहाड़ता है और अब उसकी दहाड़ को सुनकर नार्निया के सोए हुए पेड़ फिर से जाग जाते हैं। और अब दूसरी तरफ नार्नियंस की सेना हारने वाली होती है तभी वहाँ के जंगल के सभी पेड़ जागकर टर्मरिन्स की आर्मी पर अटैक कर देते हैं और उनके सारे हथियारों को तोड़ देते हैं। और अब इसके बाद टर्मरिन्स वापस भागने लगते हैं। तभी रास्ते में वो एक नदी को ब्रिज के ऊपर चढ़कर क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी ब्रिज की दूसरी तरफ असलान लूसी के साथ आकर खड़ा हो जाता है और अब पीटर और सभी नार्नियंस असलान को वापस देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और अब इसके बाद वो टर्मरिन्स असलान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी असलान फिर से दहाड़ता है और अब उसकी दहाड़ सुनकर वहाँ पर पानी के देवता आ जाते हैं और ब्रिज पर मौजूद सभी टर्मरिन्स को बहाकर ले जाते हैं। और अब इसके बाद बचे हुए टर्मरिन्स सरेंडर कर देते हैं और अब इस युद्ध के बाद कैस्पियन को नार्निया का राजा बना दिया जाता है जिसके बाद सभी टर्मरिन्स और नार्नियंस खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अब एक दिन असलान सभी टर्मरिन्स को बताता है कि जिस दुनिया से हमारे पुराने राजा रानी आए थे उसी दुनिया से टर्मरिन्स भी आए थे जो कि पहले इंसानों की दुनिया में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। और अब इसके बाद असलान इंसानी दुनिया का जादुई द्वार खोल देता है और अब वो कहता है कि जो अपने पुरखों की दुनिया में वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। और अब इसके बाद काफी टर्मरिन्स वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ नार्निया में ही रुक जाते हैं। अब असलान उन चारों भाई बहनों को बताता है कि पीटर और सुजैन इसके बाद नार्निया वापस नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों को जो कुछ सीखना था वो ये सीख चुके हैं, लेकिन लूसी और एडमंड शायद फिर से वापस आए। और अब इसके बाद पीटर और उसके भाई बहन वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और वो बिल्कुल उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो पहले अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे और अब तक उनकी ट्रेन भी आ चुकी होती है। और अब चारों भाई बहन अपनी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब तभी उस ट्रेन में चढ़ने के बाद एडमंड कहता है, ओ नो, हमें वापस जाना होगा। तभी बाकी के तीनों भाई बहन पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी एडमंड उनको बताता है कि मैं अपनी नई टॉर्च नार्निया में छोड़ आया। और अब इसके बाद चारों भाई बहन हंसने लगते हैं और आज की हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों इस मूवी के थर्ड पार्ट द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द वॉयज ऑफ द डाउन ट्रेडर के एक्सप्लेनेशन को अभी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर भी आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली ऐसी ही और मूवी के एक्सप्लेनेशन को आप कभी मिस ना कर पाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।